स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक नौकरी है संकुल स्तरीय संघ एमआईएस सहायक की। एमआईएस सहायक के पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्देशानुसार संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन एवं समूह से संबंधित कार्य कर अभिलेख करने के लिए एक महिला एमआईएस सहायक की आवश्यकता है, जिसका चयन एवं क्षमतावर्धन संकुल संघ में प्रस्तावित है। एमआईएस सहायक संकुल स्तरीय संघ में डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली सूचना तंत्र के सुचारू रूप से लागू करने के लिए संकुल स्तरीय संघ में एवं उनके सदस्य ग्राम संगठनों महिला समूह से ससमय डाटा प्रविष्ट सुनिश्चित करने के लिए एमआईएस सहायक को संकुल स्तरीय संघ के कार्यकारी समिति के समक्ष मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक बैठकों में एमआईएस संबंधित आवश्यक रिपोर्ट को समय पर उपलब्ध कराई जानी है, जो संकुल स्तरीय संघ के दिन प्रतिदिन के एमआईएस का कार्य का देखरेख और निगरानी करेगी। वह मॉडल संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक सीएलएफ के मैनेजर यानी प्रबंधक को रिपोर्ट करेगी और मॉडल संकुल स्तरीय संघ की प्रगति के लिए सचिव के प्रति जवाबदेह होगी। एमआईएस सहायक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित आदर्श संकुल संघ में एक नया कैडर है, जिसे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल स्तरीय संघ में तैनात किया जाएगा और इस कैडर का भुगतान संबंधित संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जाएगा। तो एमआईएस सहायक, आप सभी को पता है कि लोकेश ऐप जब से आया है उस पर समूहों का एमआईएस होता है। सिर्फ समूहों का ही नहीं, उस पर ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ सभी का एमआईएस होता है। समूह में कितना सरकारी पैसा आया है, ग्राम संगठन में कितना आया है, ग्राम संगठन से कौन कौन दीदी जुड़ी हैं, समूह से कौन कौन जुड़ी हैं, और सभी का आधार कार्ड, उनका ब्यौरा, उनका केवाईसी सब पूरा जो है एक तरीके से होता है। तो एमआईएस जो होता है वो एक तरीके से समूहों का, ग्राम संगठनों का सब जो कुछ डेटा है वो सब उपलब्ध कराने का काम करना है। तो इसीलिए ऑनलाइन तरीके से अब सारा डेटा उपलब्ध कराया जाएगा सरकार को। तो इसके लिए एक एमआईएस सहायक की नियुक्ति की जा रही है, जो कि समूह की महिला ही होगी और ये संकुल स्तरीय संघ के जो है कर्मचारी के रूप में कार्य करेगी, कैडर के रूप में कार्य करेगी और वहीं से इसको मानदेय भी दिया जाएगा। टोटल मानदेय इनको कितना मिलेगा वो तो हम आपको बताएंगे ही, और सबसे पहले इनकी योग्यताएं देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको एमआईएस सहायक के पद पर आवेदन करना है तो कृपया दीदी आप सभी लोग सबसे पहले इसकी योग्यता को समझ लीजिए, योग्यता समझ लीजिए, कार्य समझ लीजिए, ताकि आपको इस पद पर आवेदन करने से पूर्व इस पद से संबंधित पूरी जानकारी होनी जरूरी है। चलिए योग्यता को देखते हैं, कौन दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो आपको बता दें कि एमआईएस सहायक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए। इस पद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिला समूह के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप सीएलएफ की एमआईएस सहायक के पद पर आवेदन करने की इच्छुक हों तो आपकी पढ़ाई केवल इंटरमीडिएट मांगी जा रही है, कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए एवं हिंदी पढ़ने लिखने एवं अंक गणित का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। आपको अंक गणित आनी चाहिए, जोड़ घटाना, भाग, प्रतिशत, ये सब आपको अच्छे से मैथ आनी चाहिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं जो ध्यानपूर्वक देखिए। अभ्यर्थी की आयु की अगर बात करें तो कम से कम 21 वर्ष, अधिक से अधिक 45 वर्ष, और यहाँ पर है कि अभ्यर्थी को महिला समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के गठन एवं प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आदि की अवधारणा पर 30 दिनों से अधिक समय तक रिसोर्स ब्लॉक और अन्य स्थानों का कार्य अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त भी होना चाहिए। यानी पहले से आपने समूह, ग्राम संगठन या संकुल में कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें 30 दिनों का आपको प्रशिक्षण आदि भी मिला है और इसमें रिसोर्स ब्लॉक आदि अन्य स्थानों पर आपने समूह से रिलेटेड, ग्राम संगठन से रिलेटेड या संकुल से रिलेटेड कोई कार्य किए जिसका आपको अनुभव हो और आपको उसकी ट्रेनिंग भी मिली हो, कम से कम 30 दिनों का आपने यहां पर कार्य किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आप किसी बैंक की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए, आपने किसी पैसे के लेन देन में कोई धोखाधड़ी ना की हो। अभ्यर्थी के पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन भी उपलब्ध होना चाहिए और चलाने में भी दक्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी को संकुल स्तरीय संघ से संबंधित गांव में यात्रा करने की इच्छुक हो, समूह हो, ग्राम संगठन, संकुल संघ में बैठक, क्षेत्र भ्रमण आदि की इच्छुक होनी चाहिए। राज्य के भीतर बाहर अगर कोई यात्रा होती, प्रशिक्षण होता तो वहां पर भी आप जाने की इच्छुक होनी चाहिए। इसके अलावा एमआईएस सहायक के पास भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था से कम 6 महीने
महीने का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर केवल 12वीं से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जैसे CLF का प्रबंधक मैनेजर बनने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है और वहाँ पर स्नातक मांगा गया है योग्यता में, वैसे ही MIS सहायक के लिए यहाँ पर बताया गया योग्यता में 12वीं पास हो, हिंदी आती हो पढ़नी लिखनी, अंकगणित का ज्ञान हो, प्लस आपके पास कौशल भी होना चाहिए। और कौशल मांगा है 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स, वो भी कौन सा, सॉफ्टवेयर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ये कर रखा है तो आपको यहाँ पर आवेदन करने का जो है योग्यता है, आप आवेदन कर सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को संचालित करने और कंप्यूटर में रिपोर्ट तैयार करने के लिए MIS सहायक के पास कौशल होना जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको आना चाहिए, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। प्रबंधक के लिए किसी भी परिस्थिति में संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक को होम संकुल स्तरीय संघ में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आप अपने संकुल स्तरीय संघ में आवेदन करेंगी तो जब आपका चयन होगा तो आपके संकुल स्तरीय संघ में नियुक्ति नहीं मिलेगी, दूसरे संकुल स्तरीय संघ में नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब दूसरा ये नहीं कि आपको बहुत दूर कहीं भेज देंगे, आपके आसपास कोई दूसरा क्लस्टर होगा तो वहाँ आपकी नियुक्ति की जाएगी। जिस क्लस्टर में आपका समूह, आप लोग जुड़े हैं, आपके अपने क्लस्टर में आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। कार्य की बात करें तो यहाँ पर आवश्यक कार्य जो होंगे वो होंगे जानकारी प्राप्त करना, संकलित करना, सूचना तैयार करना, अद्यतन करना, MIS डेटा इन्फॉर्मेशन, ये सब आप तैयार करने के जिम्मेदार होंगे। और संकुल स्तरीय संघ बैठकों में वित्तीय और आर्थिक डेटा विश्लेषण, आंतरिक रिपोर्ट तैयार करना होगी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल स्तरीय संघ के शहरी शासी निकाय और बैंक के समय पर MIS का रिपोर्ट तैयार करने के जिम्मेदार होंगे। संकुल स्तरीय संघों को सुचारू रूप से CLF प्रबंधन में भी मदद करेंगी। अब MIS सहायक को मानदेय क्या मिलेगा वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए CLF बैलेंस सीट वैल्यू इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और फॉर एग्जांपल फॉर करेंट ईयर 23-24, ठीक है, तो 23-24 यहाँ पर ये बताया जा रहा है। इस हिसाब से आपको मंथली कितना जो है पेमेंट मिलेगा, तो अगर 1 करोड़ से ऊपर CLF का जो है बैलेंस है, लेन देन है, तो यहाँ पर 5,000 रुपये आपको मिलेंगे महीने में। 1 करोड़ से 2 करोड़ से अगर अधिक है तो 6,000 रुपये, 2 करोड़ से 5 करोड़ से अधिक है तो 7,000 रुपये, और 5 करोड़ से अधिक है तो 8,000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। मतलब जैसा CLF का जो बैलेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको मानदेय निश्चित किया जाएगा उन्हीं CLF की कार्यकारी बैठक में। तो जितना बैलेंस होगा, जैसे CLF का जो भी बैंक अकाउंट है, CLF का भी एक बैंक अकाउंट होता है, उसमें भी सरकारी फंड होता है, जो भी बचत होती है, ब्याज मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका भी आय व्यय का ब्यौरा रहता है, उनको कितना जो है फाइनेंशियल जो है लाभ हो रहा है, खर्च हो रहा है, ये सब अपना उनका लिखा जोखा होता है वित्तीय, उसी हिसाब से यहाँ पर मानदेय भी आप लोगों के लिए सोचा जाता है, कितना आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा। तो 1 करोड़ के लगभग अगर है तो 5, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है लगभग इतना है तो ये 6, इसी हिसाब से आपको 7, और फिर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर 8,000 रुपये तक, यानी कम से कम आपको 5,000 और अधिक से अधिक 8,000 रुपये महीने का मानदेय आप लोगों को मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि आप लोगों को नौकरी पर आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और इसी के साथ ही आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो मैंने बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिलेगी, लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिलेगी, वीडियोज़ देखिए और जानकारी पूरी अच्छी तरह समझ लीजिए।